कोलियरी सुदांडी फायर फेंच में नियोजन और विस्थापन को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ममता सिंह के नेतृत्व में फायर फेंच का चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि प्रबंधन हमारी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है और हमारी समस्या को ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण आज हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। आइए देखते हैं कि सिन्हा क्या कहते हैं। काम बन गया पूरा। देखिए, इन लोगों का मांग नियोजन का है और वार्ता के लिए इन्होंने चिट्ठी दिया है। नियोजन संबंधी वार्ता दो दिन पहले इन्होंने चिट्ठी दिया था। इस बीच में मैनेजमेंट का परिवर्तन हुआ है, इनको डेट दे दिया जाएगा। और रह गई बात नियोजन की, तो नियोजन पर जो आरआर पॉलिसी कहता है उसके तहत नियोजन का पालन कंपनी द्वारा किया जाएगा। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हैवी ब्लास्टिंग से उनके घरों में दरार पड़ जा रही है। ब्लास्टिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर से किया जा रहा है, ये हैवी ब्लास्टिंग की कैटेगरी में नहीं आती है। इसी के लिए जो है हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर से ब्लास्टिंग कर रहा है, जिसका की स्टडी खुद साइंटिफिक एजेंसी ISM को दिया हुआ है। वो डेली स्टडी कर रहा है और उसमें जो है लिमिट के अंदर ब्लास्टिंग का वाइब्रेशन आ रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों का भी ये मांग है कि यहाँ रोजगार दिया जाए। जी जरूर, रोजगार में प्राथमिकता स्थानियों को जरूर दिया जाएगा। जो आरआर पॉलिसी कहता है उस पॉलिसी के तहत स्थानियों को रोजगार अवश्य मिलेगा। 20% का जो प्रावधान है उसमें 20% का नियोजन स्थानियों को जरूर मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश सिन्हा, मैनेजर।